जब नीतीश कुमार जी सदन भी और सदन के बाहर लगातार जाति जनगणना उनका एक अंतिम कार्ड है नीतीश जी के लिए, राजनीति की जब करवट बदली जाएगी तो उसमें जाति जनगणना विशेष राज्य विशेष पैकेज मुद्दा होगा। तो जब वो कह ही दिए हैं ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, गया से 1 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल पाए, रथ नहीं चल पाए, 10 मिनट धूप में खड़े होने की हिम्मत और क्षमता नहीं, जनता को इतना बड़ा झूठ, अमित शाह जी ने तो जुमला स्वीकार कर लिया, जुमला था लगातार झूठ पे झूठ। तो मेरा 5 सवाल दोनों आदमी से है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी, तो जाति जनगणना किसने रोका? उस वक्त ना तो बीजेपी की सरकार थी ना कोई और। लालू यादव जी 10 साल कांग्रेस के साथ 5 साल रेल मिनिस्टर रहे, उनकी सरकार उस वक्त जाति जनगणना विशेष राज और विशेष पैकेज क्यों नहीं लेता? इसका मतलब है कि आप लोग जनता के मुद्दे को जब अपनी बारी आती है तो नहीं करना चाहते। और फिर उसका राजनीतिकरण का लाभ लेना चाहते हैं। कब तक झूठ फरेब ठग लोग जनता को भरमाएंगे? तीसरी चीज, नीतीश कुमार जी बीपी सिंह के समय में भी मिनिस्टर थे और अटल जी के साथ भी मिनिस्टर, 4 सालों से वो रहे हैं। विशेष पैकेज तो वो ले सकते थे और जाति जनगणना भी कर सकते, और जब खुद नीतीश जी कह दिए हैं कि जाति जनगणना की आवश्यकता देश के पैमाने पर देश की सरकार तय करेगी, लेकिन स्टेट में मेरा राइट है कानूनी भी, हम कर सकते हैं और हम करेंगे, तो फिर ये इवेंट्स पैदा करना कि हम मिलेंगे, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पदयात्रा करेंगे और 2 दिन के बाद हम मिलेंगे और मिल लिए हमारा निराकरण हो। इतने दिनों के अंदर सही मायने में राजनीति में जो 5 साल तक लगातार सड़कों पर संघर्ष न कर सके, उन्हें राजनीति में चुनाव आयोग को या पार्टी कानून बना दे कि उसको टिकट नहीं मिले या ऐसे लोगों को नहीं मिले, बिना संघर्ष के ऊपर से जाति सामाजिक आधार और पिता के अनुकंपा पर चुनाव जीत जाना और हमेशा जनता के बीच जनता के विश्वास को दगा देना, तो इन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया, हमेशा बिहार के साथ विश्वासघात किया है, बिहार बंटवारे में भी विश्वासघात किया नंबर 1, बिहार के विशेष राज पर विश्वासघात किया नंबर 2, बिहार को विशेष पैकेज पर विश्वासघात किया नंबर 3, बिहार के पलायन
को लेकर के चाहे एजुकेशन का हो चाहे मजदूर का हो उस पर विश्वासघात किया, नंबर चार। और जाति जनगणना पर इन लोगों ने विश्वास किया, नंबर पांच। क्या कोई जवाब है बिहार के विशेष राज से लेकर विशेष पैकेज से लेकर के जाति जनगणना पर? यदि है तो इस पांचों का जवाब दे दे। दूसरी बात, इस देश में बिहार में ही प्रश्न लिख पत्र लिख क्यों होता है? और जब भी लीक होता है, पहले तो चेयरमैन भी जेल गए, हम इंक्वायरी चाहते हैं रंजन यादव जी के समय से लेकर अभी तक। प्रोफेसर बहाली जिसमें कई विधायकों की भी बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई, पटना साइंस कॉलेज में रंजन यादव जी के समय में जितनी बहाली हुई लगभग जिनको कोई खरा का पता नहीं वो प्रोफेसर हो गए। तब से लेकर के अभी तक जितनी बीपीएससी की बहाली हुई है उसकी पूरी जांच सीबीआई और हाईकोर्ट मॉनिटरी के अंदर है। और इसकी जांच मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना जबकि अभी मुद्दा नहीं था, नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया मैं कराऊंगा, तो फिर बीपीएससी जैसी प्रमुख मुद्दों को दिग्भ्रमित सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों कर रही? इसमें अभी डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह क्या, रंजीत सिंह जी या कई ऐसे लोग, हम तो जांच का ही न मुद्दा उठाएंगे, हम किसी पर आरोप तो लगा नहीं रहे। आर के महाजन जी पहले भी संदिग्ध रहे, रेल से लेकर के टीचर वाले में और स्वास्थ्य से लेकर के अभी तक, अब जांच में क्या दिक्कत है? अब सस्पेंड किए जा रहे हैं, कंट्रोलर कौन बनाता है? तो यदि वो दागी था तो कंट्रोलर किसके कहने पर बना और किसने बनाया, और दागी था तो फिर वहां पर सेंटर किसने दिया, सेंटर प्रिंसिपल अपने तो नहीं ले लिए? तो जो इसके पीछे बड़ी बचली है, चाहे चेयरमैन हो चाहे एजुकेशन जिनका कोचिंग चलता हो, लगभग आईएएस आईपीएस जो एजुकेशन में ऐसे जगह है वो बाहर में कोचिंग भी चलाते हैं, ये कोचिंग माफिया, रंजीत जी का भी कोचिंग, तो कोचिंग माफिया और पदाधिकारी लोगों की मिली भगत से जो आज बिहार के युवाओं की जिंदगी हराम हो चुकी है, बोली लगती है, करोड़ों रुपया देंगे तब हम डीएसपी या कुछ बन पाएंगे, समाज के अत्यंत पिछड़े दलित कमजोर अल्पसंख्यक और गरीब किसी भी जात के बच्चे जीनियस होने के बाद बगैर पैसे के नौकरी में नहीं जा सकते, क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? इस मुद्दों को विपक्ष ने, असत्ता पक्ष ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व, और हम इसकी जांच पूरी तरीके से सीबीआई और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग चाहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और पूरी जांच हम चाहते हैं। तीसरी चीज, विश्वेश्वरैया भवन शॉर्ट सर्किट में एक रूम या कुछ जगह आग लग जा सकता है, दबा हुआ जितनी फाइल है उसमें आग लगने में भी देर लगेगी, तीन दिनों तक आग का नहीं बुझना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरोसन तेल डीजल या पेट्रोल की वहां पर की उपयोग किया गया। जल नल योजना से लेकर के पीडब्ल्यूडी आरयू कई विभागों की फाइल जो लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी और नेता उसमें इन्वॉल्व थे,
उसकी संदिग्ध भूमिका है और उसकी भूमिका की जांच हम सीबीआई से चाहते हैं। इसके पहले भी तीन तीन बार आग लग चुकी है कई सेक्रेटेरिएट में, और यह आग भी भारत के सभी स्टेटों में कभी इतने बड़े पैमाने पर तीन तीन चार चार बार नहीं लगी। बिहार में ही क्यों तीन तीन चार चार बार सेक्रेटेरिएट में आग लगी? क्या बार बार शॉर्ट सर्किट बिहार में ही होता है? उसके मानक होते हैं, उसके रूल से फॉलो नहीं किया गया। आग बुझाने की जितनी मानक है उसको किसी भी सेक्रेटरीट में उसका फॉलोअप नहीं है। और 7 बजे सुबह में ही आग कैसे लगी? आग रात में तो लगी नहीं, दिन में लगी। तो दिन में क्या सेक्रेटरीट के अगल बगल कोई दमकल कोई चीज नहीं थी? जब हम एक सेक्रेटरीट को नहीं बचा सकते हैं तो फिर पप्पू यादव का सीधा है कि आप बिहार कैसे बचा सकते हैं? इसका मतलब है कि बिहार बचाने और बिहार बनाने की क्षमता बिहार के पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के भीतर नहीं है। नैतिकता समाप्त है। बिहार की जनता इन 5 मुद्दे को भी जानना चाहती है। बीपीएससी से लेकर बीएसएससी की बहाली का क्या हुआ ये भी जानना चाहती है। एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ ये भी जानना चाहती है। ग्रुप डी में मेंस और भावा हटेंगे कि नहीं ये भी जानना चाहती है। बीटीटी एसटीटी जैसी कई बहाली को लेकर के लोग सड़कों पर है, यह गंभीर विषय है और यह विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष के लिए यह राजनीति का हिस्सा हो सकता है। 9 लाख 10 लाख जुमलाबाजी मोदी जी के तरह अमित शाह जी के तरह 1 करोड़ नौकरी देंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे। बिहार के नौजवानों के भीतर गुस्सा है, लाठी गोली खाई। उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद भी आज तक जो दलाल बैठे हैं यहां पर टीचर के रूप में, उन दलालों से मेरा आग्रह है बस पैसा कमाइए, भगवान मत बनिए। स्टूडेंट का पैसा लेकर के पढ़ाने वाला वो अच्छा टीचर हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं स्वागत करूंगा। वो टीचर रहे, भ्रष्टाचार के जनक हैं सब। इस हिंदुस्तान में एक मोहल्ला में भ्रष्टाचार आजादी के बाद नहीं मिट पाई, इसका मतलब है कि भारत में कोई मर्द नहीं। सिर्फ नामर्द पैदा हुए कि आज तक भारत में परीक्षा से लेके किसी भी चीजों में भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए। न गांव में, न ब्लॉक में, न जिला में, न शहर में, न पंचायत में। तो फिर ये भारत महान कैसा है आप जानिए।